उपखंड मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर रामावतार कुमावत द्वारा तहसील रावला के मुख्य बाजार में निरीक्षण के समय बिना मास्क पहने घूम रहे व सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना कर रहे व्यक्तियों पर तहसीलदार रावला व थाना अधिकारी रावला को मौके पर बुलाकर जुर्माना राशि से दंडित किया गया। मौके पर राजस्थान रोडवेज व प्राइवेट की बसों को रोककर बस चालक व परिचालक को निर्देशित किया गया कि यदि बिना मास्क किसी यात्री को बस में यात्रा करवाते हैं तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्राइवेट बस चालक एवं परिचालक को भी निर्देशित किया गया कि यदि बिना मास्क किसी यात्री को बस में यात्रा करवाते हैं तो आपकी बसों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सीज कर दिया जाएगा और मंडियों के साथ साथ गाँवों में भी बिना मास्क वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सर, क्या कार्रवाई चल रही है राहुल? जैसा कि सभी को पता है, कोरोना कोविड महामारी के मद्देनजर रखते हुए सरकार के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग पालना करवाना ये अनिवार्य है। हमारे राज्य सरकार के साथ साथ जिला कलेक्टर महोदय गंगानगर के आदेशानुसार एक पूरे सप्ताह जो संडे से शुरू हुआ है और एक सप्ताह तक सघन अभियान चलाकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाएं। उसके साथ जो नहीं मान रहे हैं, बार बार जागरूक करने के बावजूद भी उन पर पेनल्टी भी लगाई जा रही है और आवश्यकता होगी तो और भी इनको अभियान चलाया जाएगा और सबको मास्क सोशल डिस्टेंसिंग पालना करवाई जाएगी ताकि इस महामारी से बचा जा सके। सर, बाजार के साथ साथ गाँव में भी अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल, गाँव में सभी बीट कांस्टेबल और ब्लॉक लेवल की जो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी बनी हुई है जिसको ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप बोला हुआ है, इसके प्रिंसिपल सीनियर के पीओ प्रभारी हैं, सरपंच साहब उसके आमंत्रित सदस्य हैं, बाकी सभी उसके सदस्य हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि गाँव में भी इसको सख्ती से पालना करवानी है, अन्यथा गाँव में भी आप देख रहे हो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग गाँव में इसकी पालना। थैंक यू।